Assalamu alaikum, how are you all? I hope all of you are fine. Welcome to our channel Generic World. हम आज के लेक्चर में यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि इंफॉर्मेशन हैंडलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और डाटा से रिलेटेड हम ग्राफ बनाना सीखेंगे। जो ग्राफ में हमारे पास होंगे बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई ग्राफ एंड मल्टीपल बार ग्राफ होंगे, ठीक है। हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इनको करने से पहले हम लोग जो हैं वो पहले डिटेल्स पढ़ लेते हैं। ओपन योर बुक्स यूनिट नंबर 5 एंड पेज नंबर 182। डाटा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए कि डाटा क्या होता है। डाटा जो है वो कलेक्शन होती है इंफॉर्मेशन की, लाइक जैसे आपके मार्क्स आए हैं। एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स के जो इम्तहान एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें जो मार्क्स आए हैं वो एक डाटा है, ठीक है। और एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, साइंस के सब्जेक्ट में हर एक के डिफरेंट मार्क्स हैं, वो साइंस के सब्जेक्ट्स का डाटा है। इस तरह से मैथ्स के सब्जेक्ट्स में कितने कितने सबके मार्क्स हैं, वो मैथ के सब्जेक्ट्स में मार्क्स का डाटा है, ठीक है। और इसी तरह से अगर हमारी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं और तमाम स्टूडेंट्स की हाइट जो है वो फाइंड आउट की जाए कि कितनी है, कितनी कितनी है, वो हमने इन रियलिटी सबकी फाइंड आउट की है, हमने सपोज नहीं की, हमने हर चीज़ जो है वो बाकायदा सही तरीके से फाइंड आउट की है, तो ये चीज़ जो है वो डाटा कहलाता है एज अ फैक्ट्स एंड फिगर, मतलब कि जो हकीकत पर मबनी डाटा कलेक्ट किया गया हो, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा। डाटा की इंफॉर्मेशन, डाटा की डेफिनेशन आ जाया करती है। द हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास एंड द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, ये सब आपके क्या हैं, डाटा के एग्जाम्पल्स हैं। आपके पास डाटा जो है वो आपके पास डिस्क्रीट डाटा होता है और एक कंटिन्यूस डाटा होता है, ठीक है। अब देखें, इट कैन टेक ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यू, होल नंबर आर यूज टू राइट अ डिस्क्रीट डाटा, मतलब कोई एक नंबर जो है वो तमाम एक स्पेसिफिक वैल्यू को शो कर देता है कि क्या है, जैसे 5 फ्लावर्स, 20 स्टूडेंट्स, 30 कप्स, ठीक है, कैप्स, सॉरी 30 कैप्स। जबकि कंटिन्यूस डाटा क्या होता है, इट कैन बी टेक एवरी पॉसिबल वैल्यू इन अ गिवन इंटरवल, लाइक हम कहेंगे 2 से लेकर 5 तक के जो भी कंडीशंस हैं, मतलब 2, 3, 4, 5 जितने भी चीज़ें आ सकती हैं वो इस इंटरवल के अंदर अंदर हम ले सकते हैं, ठीक है। इट कैन टेक एवरी पॉसिबल वैल्यू इन अ गिवन इंटरवल। डेसिमल नंबर्स, और डेसिमल नंबर जो है वो 0.5 में होता है, मतलब 5.5 एंड 2.5, मतलब डेसिमल पॉइंट जो है वो यहाँ पे 5 ही होगा, 1, 2 के फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। 5.5 किलोग्राम, 15.5 किलोग्राम एंड 7.5 सेंटीमीटर, ये यानी कि ये इंटरवल के दरमियान में कोई भी वैल्यू हो सकती है। जबकि डिस्क्रीट डाटा क्या होता है, एक स्पेसिफिक वैल्यू एज अ होल नंबर, लाइक 5 फ्लावर्स, मतलब 5 डिजिट जो है वो उसको शो कर रहा है स्पेसिफिक वैल्यू को, ये डिस्क्रीट डाटा होता है। डिस्क्रीट डाटा फर्दर क्लासिफाइड होता है 2 ग्रुप्स में, दोनों डाटा चाहे वो डिस्क्रीट डाटा हो या कंटिन्यूस डाटा हो, इनको 2 क्लासेस में फर्दर डिवाइड किया जाता है, जो कि होता है ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा, ठीक है। अब देखिए अनग्रुप डाटा क्या होता है, डाटा विच इज़ नॉट अरेंज इन एनी सिस्टमेटिक ऑर्डर, ग्रुप और क्लास इज कॉल्ड ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा मतलब यहाँ पर देखिए मार्क्स है 3, 10, 9, 8, 7, 6, किसके 5 है, किसके 4 है, ठीक है, हर एक का डिफरेंट नंबर्स मार्क्स है, वो हमने ऐसे ही रख दिया, हमें ये नहीं पता कि ये एक मतलब कि क्लास के पहले 5 स्टूडेंट्स का डाटा है या फिर अगले 10 स्टूडेंट्स का डाटा है, ये जस्ट सारे मिक्स हैं, ठीक हो गया। ये होता है अनग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा क्या होता है, डाटा विच इज़ अरेंज इन सिस्टमेटिक ऑर्डर, लाइक हम कहेंगे कि पहले 5 स्टूडेंट्स का डाटा यहाँ रखा हुआ है, अगले 5 स्टूडेंट का डाटा अगले रो में रखा हुआ है, उससे अगले 5 स्टूडेंट का डाटा जो है वो थर्ड रो में रखा हुआ है, मतलब 5, 5 का एक इंटरवल बन गया, ठीक है। इंटरवल के अंदर जो है वो तमाम 5 स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है, जो कि मौजूद है, तो ये आपका होता है ग्रुप डाटा। आई होप कि इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है आपके पास डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। यहाँ पर ज़्यादा सा क्लियर होगा
Like, let us consider the number of pair of shoes sold by the shopkeeper in a month. एक शॉप है जो कि शूज़ या सैंडल वगैरह सेल करती है. अब उसके पास जो है कस्टमर्स आते हैं शूज़ को बाय करने के लिए. तो ऐसा क्या होता है कि फर्स्ट डे, वीक के फर्स्ट डे जो है वो फर्ज करें उसने 5 शूज़ जो है या 5 सैंडल्स जो है वो सेल की. नेक्स्ट डे उसने 7 की सेल्स, और उससे नेक्स्ट डे उसने 2 सैंडल्स सेल कर दी, उससे नेक्स्ट डे 3 सेल कर दी. मतलब कि कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है. डेली जो है वो ये नहीं बताएगा कि डेली जो है अगर 5 ही जो है वो सेल होंगी, ठीक है. मतलब हर एक दिन का डाटा जो है वो डिफरेंट है. तो ये क्या हो गया, अनग्रो. और हमें पता भी नहीं है कि हर दिन जो है वो डिफरेंट डेज में कितनी सेल्स होंगी, वो डिफरेंट ही होंगी, ठीक है. जबकि कंटिन्यूस में क्या होता है, कंटिन्यूस अनग्रो एंड ग्रो डाटा में क्या होता है कि आपके पास एक लिमिट होती है. लेट अस कंसीडर द डिस्टेंस ऑफ 20 एम्प्लॉय फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू द फैक्ट्री. अब क्या होता है, 3 से less than equal to x एंड less than equal to 6. अब यहाँ पर क्या फ़र्क है, यहाँ पर तो था ना कि तमाम वैल्यूज़ हर डे पर डिफरेंट हैं. कभी 2 सेल हो सकते हैं, कभी 3 सेल हो सकते हैं शूज़, कभी 5 हो सकते हैं, कभी हो सकता है कि ना सेल हो. जबकि एक फैक्ट्री है या एक स्कूल है, वहाँ पर जो है वो टीचर्स हैं या किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉयज़ हैं, वो एम्प्लॉयज़ डेली आते हैं ऑफिस में, और वो डेली सेम एरियाज़ में से डिस्टेंस ट्रेवल से आते हैं. बस थोड़ा बहुत टाइम का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन उनका ज़्यादातर कंडीशन क्या है कि सेम होगी, ठीक है. मतलब कि सेम डिस्टेंस लगेगा, ठीक है. अब हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे कह दिया 3 less than equal to x, x less than 6, कि जिनका डिस्टेंस घर से ऑफिस तक है 3 से 6 तक, मतलब 3 से लेकर 6 तक, जिसमें 6 इंक्लूड नहीं है, उससे छोटी वैल्यूज तमाम इंक्लूड है. लेस देन 6 तमाम लोगों का जो डिस्टेंस है घर से ऑफिस तक का, अगर तो इनके दरमियान में आ रहा है या इस इंटरवल में आ रहा है, तो वो लिख दिया जाए. तो ये आपके पास क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, ठीक है. आगे 6 से लेकर 9 तक के लोगों का डाटा डिस्टेंस के लिहाज से भी, 9 से 12 तक का, 12 से 15, 15 से 17, ठीक होगा. अब यहाँ पर क्या होता है कि हमने फ़र्ज किया कि इस इंटरवल में हमारे 4 या 5 एम्प्लॉयज़ आते हैं. अगर तो 5 एम्प्लॉयज़ आते हैं और वो कहते हैं उसको टेलीमार्क में शो करें, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 लाइन तो आप सीधी इस तरह से लगाएंगे, 4 लाइन लगाएंगे सीधी इस तरीके से, और जो 5th लाइन होगी वो ना वो आप टेढ़ी इस तरह से लगाते, ठीक है, कर्व की शेप में. ये आपके 5 को शो करता है, और बकाया 1 लाइन जो है वो एक टेलीमार्क 1 मार्क को शो करती है, 1 नंबर को, ठीक है. ये हो गया आपका यहाँ पर टेलीमार्क का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, डिस्क्रीट डाटा का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, और कंटिन्यूस डाटा का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. अब यहाँ पे क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. ग्राफ इज अनदर वे टू रिप्रेजेंट द डाटा. इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन द डाटा इज शोन ब्रीफली. आपके पास ग्राफ जो है अगर हम बना लें, तो वो डाटा को बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता है. उसको देखने से हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर नज़र आ रही होती हैं, ठीक है. तो ये क्या करता है, डाटा को रिप्रेजेंट करता है ग्राफ की सूरत में. तो ये आपकी डेफिनेशन है ग्राफ की, और ग्राफ आपके पास जो है, फॉलोइंग ग्राफ्स आर यूज टू रिप्रेजेंट डाटा इन अ मीनिंगफुल वे. ये आपका एज अ शॉर्ट क्वेश्चन या MCQ आ सकता है कि आपका डाटा मीनिंगफुल वे में कितनी ग्राफ को यूज़ करते हुए शो किया जा सकता है, ठीक है, या हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ग्राफ टू रिप्रेजेंट डेटा, ठीक है. आपके पास है लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, मल्टीपल बार ग्राफ एंड पाई चार्ट,
ठीक है, आपके पास ये चार तरह के ग्राफ बनते हैं जो कि डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पास है पहला लाइन ग्राफ, उसामा सोल्ड द फॉलोइंग लेंथ ऑफ फ्लोर्स इन 5 वीक्स। पहले वीक में उसने 200, सेकेंड में 400, थर्ड में 100, फोर्थ में 500, यानी कि हर वीक में उसने इतनी इतनी जो है वो लेंथ कपड़े की सेल की है। अब हमने रिप्रेजेंट करना है इस इंफॉर्मेशन को ग्राफ में। अब लाइन ग्राफ में कैसे शो करेंगे, लाइन ग्राफ में शो करेंगे इस तरह से कि हमने दो दो बॉक्स, यानी कि फर्स्ट बॉक्स जो है वो 1, 2, 3, 4, 5 का दे दिया है। अभी बस मैं आपको ये समझा रही हूँ लाइन ग्राफ कैसे बनता है। और यहाँ पे हमने नंबरिंग दे दी है 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700 की। पहला देखा फर्स्ट में उसने कितने 200 सेंटीमीटर का कपड़ा सेल किया। यहाँ से ऊपर जाएंगे, जहाँ पर 200 आता है वहाँ पर स्टॉप करेंगे और वहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेकेंड में उसने 400 का कपड़ा ड्रॉ किया, वो यहाँ 400 तक जाएंगे। थर्ड में उसने 100 तक का किया, तो 100 पर जाके एक पॉइंट लगा देंगे। फिर फोर्थ डे में उसने क्या किया है, यह फोर्थ वीक है, ये वीक्स हैं, ठीक है। फोर्थ वीक में उसने कितने कपड़ा सेल किया, 500 सेंटीमीटर या मीटर का कपड़े की लेंथ जो ना वो सेल किए। इसी तरह से फिफ्थ में 600 किए। फिर बाद में जब आप पॉइंट्स लगा लेते हैं, फिर आप इनको इस तरह से मैच कर देते हैं, ठीक है। ये होता है आपका लाइन ग्राफ, ठीक है। यहाँ पर 2 स्क्वायर जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 वीक को, सिंपल। ये पूरा जो है कंप्लीट 2 स्क्वायर 1 वीक को शो कर रहे हैं, फिर अगले 2 सेकेंड वीक को, फिर अगले 3 थर्ड वीक को, ये उन्होंने स्केल बता दिया। और जबकि वाई एक्सिस में एक जो है वो 100 मीटर लेंथ को शो कर रहा है, किसकी, कपड़े की, ठीक है। लेंथ ऑफ क्लॉथ लिख देंगे यहाँ पे और यहाँ पे वीक्स लिख देंगे, ठीक हो गया। आगे है बार ग्राफ। द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ हाई स्कूल हु पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट डिवीजन ड्यूरिंग द ईयर 2015 से 2021 के दौरान जितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स जो हैं वो पास किए या मैट्रिक का एग्जाम पास किया, वो उनकी तादाद लिख दी गई है। 2015 में 100 स्टूडेंट ने पास किया, 2016 में 150 में, इसी तरह से चलते चलते 2021 में 110 स्टूडेंट्स ने मैट्रिक का इम्तहान पास किया। अब हम चाह रहे हैं इसको बार ग्राफ के ज़रिए बताना। आप जो है वो लाइन ग्राफ भी बना सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे, लेकिन चूंकि मुझे तमाम ग्राफ को डिस्कस करना है तो अभी हम बार ग्राफ को डिस्कस करने लगे हैं। आप क्या करोगे कि आपने 2 वीक्स, उन्होंने 2 बॉस को ही क्या शो कर दिया है, 2015 का ईयर शो कर दिया, अगले 2 बॉस को 2016 का सिमिलर। अभी जस्ट आपको ग्राफ समझा रही हूँ, नंबरिंग देना मैं आपको ग्राफ दिखाकर बताऊंगी कि किस तरह से आप वो बना सकेंगे, वहाँ पे कैसे नंबरिंग देंगे, क्योंकि आम तौर पर ग्राफ जो है वो आपका इस गिवन ग्राफ से थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। सो अभी के लिए बस ये समझिए कि बार ग्राफ कैसे बनाया जाता है। आपने ये किया 2015 पहले नंबरिंग दे देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर नंबर दे देंगे स्टूडेंट्स की। फिर 2015 में 100 स्टूडेंट ने एग्जाम पास किया। आपने क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनानी है। 2015 में 100 स्टूडेंट्स ने किया, बस आपने यहाँ पे क्या करना होता है, रेक्टेंगल बनानी होती है, ठीक है। पहले आप इस पॉइंट से जाएं, पॉइंट मतलब एक रेक्टेंगल वहाँ पे क्रिएट कर देंगे। बाकायदा मैं आपको ग्राफ पेपर पर बताऊँगी, ये मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। फिर नेक्स्ट 2016 में उसने कितना किया है, 150 स्टूडेंट ने पास किया, तो 150 तक गए और वहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर दी। 2017 में 130 स्टूडेंट्स ने किया, उस तरह एक रेक्टेंगल क्रिएट कर दी। ये सब रेक्टेंगल्स जो है वो क्रिएट होती है, रेक्टेंगल जो है वो बार ग्राफ को शो करता है। और बस ये बता दें कि इसमें जो 2 बॉक्स हैं, 2 बॉक्सेस हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं 1 ईयर को, और जो वाई एक्सिस में 1 स्क्वायर है वो रिप्रेजेंट करता है 110 स्टूडेंट्स को। ठीक है, क्योंकि 100 से उन्होंने काउंटिंग स्टार्ट किया, आगे 10-10 का गैप है, ठीक है, 110, 120, तो एक वो जो है वो 10 स्टूडेंट्स को शो करता है। यह आपका था बार ग्राफ। नेक्स्ट है आपके पास मल्टीपल बार ग्राफ। द फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेंड आउट ऑफ 500 बाय 3 स्टूडेंट्स इन क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली एग्जामिनेशन। मतलब आपको पता है कि स्कूल में एक जो होता है वो
आप तो बहुत सारे हो गए, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, हर एक स्कूल का अपना हिसाब होता है। इसी तरह से एक साल में आपके तीन जो है वो एग्ज़ाम हुआ करते थे, ठीक है। एक क्वार्टरली होता था, फिर उसके बाद हाफ ईयर का होता था, और फिर ईयर एग्ज़ाम, ईयरली एग्जामिनेशन होते थे। तो तीनों एग्जामिनेशन में तीन स्टूडेंट्स ने कितने कितने मार्क्स लिए वो बताए गए हैं। ये होता है मल्टीपल बार ग्राफ को शो कर रहा है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, पहले यहाँ पर नाम लिख देगा नीचे, आयशा, हमजा एंड ज़ाहिर, थ्री बॉक्सेस उन्होंने, क्योंकि थ्री एग्ज़ाम्स को शो करना है, थ्री बॉक्सेस उन्होंने इस चीज़ के लिए ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपने मार्क्स ऑब्टेन मतलब लगा दिया, आपने पहले देखना है कि मिनिमम कौन सी है, उसके बाद देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम मार्क्स कौन से हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर नंबरिंग देंगे। नंबरिंग देने के बाद आप देखोगे आयशा के फर्स्ट में कितने थे, फर्स्ट में 330 थे, 330 यहाँ पर बन रहा होगा, उन्होंने यहाँ पर लगा दिया एक रेक्टेंगल। फिर उसके बाद 400 थे, 400 पर एक रेक्टेंगल बना दी, फिर उसके बाद 500, फिर उन्होंने 500 पर एक रेक्टेंगल बना दी। इसी तरह से हमदा के लिए उन्होंने पहले 200, फिर 300, फिर 450 पर एक रेक्टेंगल क्रिएट कर दी। मतलब कि तमाम ग्राफ तीनों के तीनों साथ साथ बन रहे हैं और रेक्टेंगल की फॉर्म में बन रहे हैं। तो ये होता है आपका मल्टीपल बार ग्राफ। यहाँ पे फोर स्क्वायर, एक दो तीन चार, फोर स्क्वायर जो हैं वो आपके शो करते हैं वन स्टूडेंट को, ठीक है। फोर स्क्वायर रिप्रेजेंट वन स्टूडेंट, ठीक हो गया। और जबकि ये जो है वो आपके टू स्क्वायर यानी कि वन स्क्वायर जो है वो 50 स्टूडेंट को शो करता है, 50 + 50 = 100। नंबरिंग पर अभी इतना फोकस मत करें, आप जस्ट ये देखें कि आपके 1, 2, 3 स्टूडेंट्स हैं, सॉरी 3 मार्क्स हैं, और वहाँ पे तमाम रेक्टेंगल्स एक साथ बन रही हैं, और नंबरिंग पर किस तरह से हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपके पास पाई ग्राफ। अब पाई ग्राफ क्या होता है, द टेबल गिवन बिलो शो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सिक्स ग्रेड ऑफ अ स्कूल। पाई चार्ट इज़ यूज फॉर द कंपनीज ऑफ वैल्यूज ऑफ डिफरेंट आइटम बाई मेकिंग द सेक्टर्स ऑफ अ सर्कल। एंगल्स आर यूज टू रिप्रजेंट द सेक्टर्स। सेक्टर्स होते हैं मतलब सर्कल में सेक्टर्स, मतलब ये सेक्टर्स शो करते हैं कि इतना हिस्सा किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, इतना हिस्सा किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, और इतना हिस्सा किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, यानी कि हर पोर्शन को एक सर्कुलर चार्ट में शो कर दिया जाता है कि इतने हिस्से पर ये काम हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर रिप्रेजेंट क्या करता है, क्लासेज हैं 5 से लेकर 10 तक की, वहाँ पर स्टूडेंट्स कितने, 300 स्टूडेंट हैं, 6 में 210, और इसको पाई चार्ट के ज़रिए हमने जो है वो शो करना है। आपने ग्रेड्स लिख दिए, ग्रेड के बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखने के बाद आपने करना क्या है, हर क्वेश्चन में जब भी वो पाई ग्राफ का कहेगा तो आपने ये करना है, पहले क्लास लिख लेनी है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख देने हैं या जो भी सेकंड चीज़ होगी, फिर उसके बाद आपने करना क्या है, इन सबको ऐड करने के बाद आपके पास आंसर आ रहा है 850। एक तो इसका टोटल आपके पास होना चाहिए, दूसरा आपके पास करना क्या है, आपने ये वैल्यू लिखनी है 300 ओवर 850 यानी कि टोटल स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री इक्वल टू 127 डिग्री आ जाएगा। फिर आपके पास 210 लेंगे, उसको 850 से डिवाइड करेंगे टोटल से, और मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री करेंगे, आपके पास 89 आ जाएगा। फिर इसी तरह से 162 लेंगे, डिवाइड करेंगे 850 से, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 360 से, आपके पास 69 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह से तमाम वैल्यूज़ को 850 से डिवाइड करते जाएँ और मल्टीप्लाई करते जाएँ 360 डिग्री से, आपके पास डिग्री की फॉर्म में वैल्यूज़ आती जाएंगी। फिर आपने क्या करना है, कंपस लेनी है, कंपस से एक सर्कल ड्रॉ करना है आप लोगों ने। सर्कल ड्रॉ करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, डी देखिए आप लोगों ने, डी को यूज़ करना है। अच्छा, डी में आपको आपका डी कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 180 डिग्री होता है, यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 यानी कि दरमियान वाली जो लाइन होती है वो 100 होती है स्ट्रेट, और 100, 110 सो ऑन काउंटिंग लिखी होती है। इसके अलावा यहाँ पर भी काउंटिंग लिखी होती है उल्टी, मतलब कि यहाँ से 0, यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 और फिर दोबारा 110, ये इस तरह से आ रहा होता है, ठीक है। अब ये यूज़ कैसे होता है, अगर तो मुझे कोई एक लाइन है,
बल्कि ना मैं आपको पाई चार्ट ही बनाकर सिखाती हूँ। फर्ज करें कि आपके पास एक सर्कल है, आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। आपने सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम चाह रहे हैं पाई को शो करना इस पर। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा मिडल पॉइंट है ना, ये वाला यहाँ पर इस सर्कल का मिड पॉइंट जो है ना, ये है, ये इसका मिड पॉइंट है, ओके, दिस वन। अब हम चाह रहे हैं कि इस डी को यहाँ पर रखें। रखने के बाद अब हम पहला पॉइंट देखते हैं कि क्या था हमारा, 127 डिग्री और उसके बाद 89 डिग्री। अब हम यहाँ से देखेंगे हमारा 127 डिग्री कहाँ आएगा, 100 ये है, 110, 120। अब आप आके देखोगे ना डी पर, जब जो आपका प्रॉपर डी होगा वहाँ पर आपकी इधर लाइनें बनी होती हैं, 10-10 लाइंस का डिफरेंस होता है, ठीक है। 120 के बाद 125 आएगा और फिर उसके बाद दो छोटी लाइनें होंगी, दो छोटी लाइनों में आपने दो छोटी लाइनें सेलेक्ट करनी है, वहाँ पे आएगा 127। अब मैं सपोज करके यहाँ पर जो है वो पॉइंट लगा देती हूँ कि 127 मेरा कुछ यहाँ आ रहा है इन दोनों लाइनों के दरमियान में और थोड़ा सा साइड पर, ठीक है, ये मैंने लगा दिया, एक पॉइंट बन गया 127। अब आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इस डी को इस तरह करना है और इस पॉइंट को सेट करना है इस लाइन के मुताबिक, ठीक है, ये बिल्कुल लाइन के बराबर होना चाहिए। अब इस लाइन को ये लाइन के बराबर कर लिया। अब हमारा अगला था 89 डिग्री। अब हमने देखना है हमारा 89 डिग्री कहाँ आ रहा, ये था 80, अब जाहिर सी बात है 90 से थोड़ा सा पीछे होगा, ये कोई हम यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे लाइन लगाई और फिर यहाँ से इसको हमने मैच कर देना। मैच करने के बाद अब हमने जो हमारी डी है उसको फिर जो है वो इसके मुताबिक अरेंज करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पॉइंट पर ये है और हमने लाइन जो है वो सेट करनी है बकायदा ऐसे, ठीक हो गया। अब सेट करने के बाद इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ, सेट करने के बाद अगली वैल्यू देखते हैं हमारी क्या थी, 69 डिग्री एंड 40 डिग्री। नेक्स्ट हमने जाना है 69 डिग्री पे, 60 यहाँ पर है, वही 70 के थोड़ा सा इधर होगा, तो हम यहाँ पर लगा। आप डी को प्रॉपर उसके तरीके से करेंगे लाइंस को देखकर, तो फिर आपका बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा, ठीक है। मेरा 69 मैंने यहाँ पर लगा दिया कि थोड़ा सा इधर होगा, तो मैंने यहाँ पर मैच कर दिया, ये हमारा 69 का बन गया। अगला नेक्स्ट हमने बनाना है 40 का। अब फिर दोबारा डी को सेट करेंगे हम ऐसे इस लाइन के मुताबिक और ये वाला पॉइंट जो है हम ये देखें, ये लाइन में मसला आया हमारा, ये लाइन सही ड्रॉ नहीं हुई, मैं इसको दोबारा करती हूँ। ये वाला हमारा पॉइंट था, ये पॉइंट था, यहाँ से हमने ये मिडल पॉइंट है वहाँ पे इसको टिक करना था, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट पर जहाँ पर ये तीनों मैच हो रही हैं वहाँ पे रखेंगे और इस डी को सेट करेंगे इस लाइन के मुताबिक और फिर हम जाएंगे 40 पर। 40 हमारा एग्जैक्ट यहाँ पर आ रहा है, ये कोई यहाँ बनेगा, ठीक है। 40 यहाँ से हमने क्या किया, इस पॉइंट को यहाँ मैच कर दिया, 40 बन गया। अब नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे हमारी क्या है, 25 डिग्री एंड 10 डिग्री। अब हम डिग्री यानी कि इस डी को फिर हिलाएंगे, ठीक है, ये कोई बनेगा यहाँ और लाइन हम एडजस्ट करेंगे इसके मुताबिक, यस नहीं, हाँ इसके मुताबिक करनी थी ना, थोड़ा सा आगे, ठीक है, ठीक है, लाइन एडजस्ट हो गई। अब हमने करना था 25 डिग्री, 20 यहाँ है और 5 इन दोनों के दरमियान में कहीं यहाँ पर होगा, ठीक हो गया। यहाँ से हमने कर दिया है इसको मैच, ठीक है। अब आगे हमारा 10 डिग्री,
यहाँ से अब हम करेंगे 10 डिग्री के लिए। ठीक है, अब हमारी 10 डिग्री कहाँ आ रही है? यहाँ इस 10 डिग्री से हमने इसको मैच कर दिया। ठीक हो गया। अब हमारी जो शेप बनी है वो कुछ यूँ बनी है। ये शेप देखें और जो उन्होंने बुक पे बनाई है, ये थोड़ी बहुत डिफरेंट आ रही है, बल्कि पॉइंट्स जो है ना वो है आपके सही। ठीक है, बस ये मिड पॉइंट जो है ना आप कंसीडर कर लो। जब आप बनाओगे ना सही अपनी डी को यूज़ करते हुए, तो आपका एग्जैक्ट पॉइंट बनेगा। ये मेरा मिड पॉइंट है। ओके, इसको मैं फिल कर देती हूँ। ये सारी इस पॉइंट पर जो है ना वो मिल रही है। ठीक हो गया। अब इस शेप को देखो जो हमने बनाई है और जो हमारी बुक पर है, हम कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पर ये और ये तीनों छोटी छोटी, ये देखें हो गया ना हमारा बिल्कुल वैसे ही बना है। इसी तरह से आपने जितने भी पाई चार्ट्स होंगे उनको ऐसे ही बनाना है। थोड़ा बहुत गाइडेंस होगी तो वो मैं आपको ऐसे ही क्लियर करूँगी। अभी देखें यहाँ पे भी ग्रेड 5 था, हमने ग्रेड 5 के लिए हमारे पास 127 डिग्री आया था, हमने इधर एंगल मेंशन कर देना। यहाँ पर ग्रेड 6 के लिए 89 डिग्री मेंशन कर दिया, ग्रेड 7 के लिए इतना सारे जो है वो मेंशन कर देनी है वैल्यूज़। ठीक हो गया। अब आपके पास है एक्सरसाइज 5.1 में देखें, पहला कह रहा है द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट दिशान इन ग्रेड 6 एग्जामिनेशन वर 50, 80, 60, 50, 85, 90, शो दीज मार्क्स बाय ड्राइंग एन अप्रोप्रिएट ग्राफ। अब ग्राफ अगर हम देखें, ये बार ग्राफ भी बन सकता है और लाइन ग्राफ भी बन सकता है। अब इसको बनाने के लिए हम चलते हैं ग्राफ की तरफ। अब मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगी। इन रियल आपके ग्राफ कुछ इस टाइप के होते हैं। ठीक है, अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर ये छोटे छोटे बॉक्सेस बहुत सारे बने हुए हैं, और एक बॉक्स में अगर आप नोट करें, ठीक है, नोट करें तो कितने और बॉक्सेस हैं छोटे छोटे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक्चुअली में टोटल 10 लाइंस बनती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 9 बन रही है। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो है वो यहाँ पर 10 होती हैं। ये आपके अगर आप बाहर से ग्राफ लेकर आएंगे, कहिएगा ग्राफ पेपर दे दें, जब वो आपको ग्राफ पेपर देंगे तो आपका वहाँ पे शो होगा कि आपके यहाँ पर 10 जो है ना वो बॉक्सेस बन रहे होंगे छोटे छोटे। ठीक हो गया। अभी के लिए मैं आपको 5 के हिसाब से समझा देती हूँ, लेकिन इतनी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होगी, ग्राफ कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, आपने क्या करना होता है, पहले तो लाइन ड्रॉ करनी होती है। यहाँ से बेस लाइन ड्रॉ करते हो स्ट्रेट, जो आपको डार्क फॉर्म में कैपिटल स्क्वायर की जो लाइंस हैं उस पर एक लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने वर्टिकल में एक लाइन शो करनी होती है। मैं इसको ज़रा जूम आउट करती हूँ। ठीक है, मैंने एक लाइन यहाँ ड्रॉ करी थी, दूसरी लाइन मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ, यहाँ से लेकर थोड़ी मेरी लाइन कहाँ चली गई, यहाँ ये है लाइंस। ओके, ये हमने लाइंस ड्रॉ कर ली। लाइंस ड्रॉ करने के बाद अब हमने ये चेक करना है कि हमारी जो क्या कहते हैं वैल्यूज़ हैं, वो वैल्यूज़ इस ग्राफ पर किस तरह से एडजस्ट होंगी। ठीक है, बस मैंने कैपिटल कर लिया और लाइंस थोड़ी बड़ी कर ली है। ठीक है, अब हमने जाना है क्वेश्चन नंबर 1 पर। अगेन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जिशान, मतलब कि बच्चा एक ही है जिशान, उसके ग्रेड 6 के आपकी एग्जामिनेशन है जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट हो सकते हैं। हम कंसीडर हम ए बी सी भी दे सकते हैं सब्जेक्ट को नेम, हम 1, 2, 3 भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम बेस लाइन जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस दो लाइंस होती हैं, मैं बताती हूँ। ठीक है, हम सब्जेक्ट ले लेते हैं ए बी सी डी और हम मार्क्स ले लेते हैं। ठीक है, मार्क्स हो गए और हमारे पास हो गए सब्जेक्ट्स।
अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक एक बॉक्स ले लेते हैं। ये फर्स्ट बॉक्स है, ये सेकंड बॉक्स होगा, ये थर्ड बॉक्स होगा। मैं फुल फुल ले रही हूँ, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप थोड़ा भी ले सकते हैं। अभी के लिए मैं बार ग्राफ बना रही हूँ, इसके लिए मैं आपको क्लियर कर दूँगी कि कैसे कैसे कर सकते हैं आप लोग। अगर मैं ये कंप्लीट बॉक्स ले रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट का नाम दिया है ए, ए हो गया, ये हो गया आपका बी, ये सी, ये डी, ये हो गया आपका ई, ये है एफ, ये है जी। आई डोंट नो कि कितने सब्जेक्ट्स थे, लेकिन मैंने ये इस तरह से ले लिया। आगे आपने मार्क नंबर्स कैसे देखने हैं, ऐसे देखने हैं, दोबारा देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस कितना आ रहा है, 50, 60, यानी कि 85, 90, यानी कि अगर हम 10, 10 का डिफरेंस लें, ठीक है, तो हमें जो है वो आसानी से मिल सकता है मेन करने के लिए। अभी समझते हैं अभी, ठीक है, आपने लेना है 10, 10 का डिफरेंस। मतलब मैं क्या करती हूँ, मैं ये करती हूँ कि ये जो मेरा फुल बॉक्स है, इसको मैं दे देती हूँ 10 का नेम, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बट लेकिन ये तो 9 है ना, तो मुझे 10 बॉक्स को देना पड़ेगा। सॉरी, मैं इसको दूंगी, इसको नहीं दूंगी, 10। अगली मेरी यहाँ पर आएगी 10, जिसको मैं 20 का नाम दे दूंगी। आगे मैं 3 पर आएगी, इसको मैं दे दूंगी नाम 30 का। आगे 4 बॉक्स जाएंगे तो मेरे पास आएगा 40। आगे मेरे 5 बॉक्स जाएंगे तो मेरे पास आएगा 50, ठीक है, 50। फिर आगे यहाँ पर आएगा मेरा 60, फिर यहाँ पर आएगा मेरा 70। अब देखें, ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि मुझे इतना इतना बड़ा बड़ा लेना पड़ा। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपके पास 4, 4 का डिजिट ले लो, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 2 बॉक्स 5 के और 2 बॉक्स 5 के, ये आपको 10 दे देंगे। समझ रहे हैं, ये आपने खुद एडजस्ट करना है अगर ज़रूरत के मुताबिक, अगर आपके पास जगह कम है या कोई मसला, आप ऐसा कर सकते हो। देखो, 2, 2 का बॉक्स लोगे, 5 आराम से मिल जाएगा और 10 भी आराम से मिल जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि हमारी वैल्यूज में गैप या तो 5, 5 का है या 10, 10 का है, जैसे कि 10, 20, 80, 20, 30, 40, 50, 45, इस तरह का गैप है, ठीक है। तो हमें आसानी से 5, 8, 5 भी मिल सकता है, 15 भी मिल जाएगा, अगर 10, 10 की वैल्यूज हैं तो 10 भी आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 4 के बाद 20 का नाम दे दो, फिर 4 के बाद 30, इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक हो गया। अब मैंने इस तरह से ले लिया है, तो मैं करती हूँ 60, 70। अब मुझे चाहिए है 80, यहाँ पर आ गया मेरा 80, और फिर आगे एक स्टेप जाएंगे तो हमारे पास आएगा 90। कैपिटल वैल्यू जो थी वो थी हमारी 90, ठीक हो गया। अब मैं इसको जूम आउट करती हूँ, हमारा ग्राफ कुछ यूँ बने, ठीक हो गया। अब चाह रहे हैं हम बार ग्राफ बनाना। अब बार ग्राफ के लिए आप क्या करोगे, पहले देखोगे वैल्यू क्या है आपकी, पहली फर्स्ट वैल्यू है आपकी 50, और फिर उसके बाद है 80, और फिर 60, 50, 80 और 60, ठीक, ओके। अब हम क्या करेंगे, 50, 50, 80 और 60, ए जो है, मैं पहले ये चेक कर लेती हूँ, मुझे रेक्टेंगल बनानी है, रेक्टेंगल में चाह रही हूँ ये दरमियान में आए और इधर से होता हुआ रेक्टेंगल कोई बन जाए, ठीक है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि 3 यहाँ से छोड़ के, 3 यहाँ से छोड़ के बना लो, या 2, 2 का गैप ले लो। मैं इन 2 के 2 बॉक्सेस यहाँ से लिए, मुझे जाना है 50 के पास, ये सीधी लाइन, ठीक है। अभी मैं इस तरह से कर रही हूँ तो मेरी लाइन सीधी नहीं आ रही, ये सीधी लाइन जाएगी 50 तक, ओ सॉरी ज़्यादा हो गई है,
यहाँ से जाएगी ये सीधी लाइन, फिर ज़्यादा हो गई, पहले मैं थोड़ी करती हूँ, यहाँ तक, यहाँ तक और फिर यहाँ, ठीक हो गया। अब टू यहाँ पर थे, मिडल लाइन से टू और इधर कर दिए मैंने, ठीक है। उससे मुझे फ़ायदा क्या हुआ है कि मेरे दरमियान में आ गई है वो वैल्यू। आप इसको अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हो कि आपने रेक्टेंगल कैसे क्रिएट करनी है, आप इसे देखेंगे तो ये भी सही रहेगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है आप थ्री थ्री का गैप दें, यहाँ पे थ्री, अब आप क्या करोगे, थ्री में यहाँ से आएगा और यहाँ से आके ये हो जाएगा, एक बॉक्स दरमियान में आ जाएगा और एक साइड पे और एक इस साइड पे, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से आसानी लग रही है। ये आपका पहला सब्जेक्ट था, फिर उसके बाद था 50 60, कि पता नहीं 80 था, अब हम जाएंगे 80 पर। इसको अब डिटेल में समझा दिया, मैं जूम आउट करके एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करूँगी 60 तक। यहाँ से दो बॉक्स पीछे से मैंने स्टार्ट किया और मैं गई 60 तक, मेरा कोई 60 यहाँ पर आ रहा है, लाइन मेरी टेढ़ी हो गई है, मैंने जाना है दो बॉक्स छोड़ के ये और फिर दो बॉक्स ये और फिर मेरी लाइन आ जाएगी स्ट्रेट दो पर क्लोज, ठीक हो गया। इसी तरह से अगली थी 60 60 80 पर, शायद जो जो वैल्यूज होंगी ना, अब उसके मुताबिक आपने ना चलते जाना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आपकी शायद अगली 80 थी, आप 80 पर गए, लाइन आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, हमने मिडिल से स्टार्ट नहीं करना था, हमने दो बॉक्स इधर से लेने थे, फिर बाद जाके 80 पर जाना है, फिर उसके बाद दो बॉक्सेस यहाँ से लेने हैं और फिर वापस एंड हमने इधर कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपके जो रिमेनिंग्स हैं सारे ग्राफ बन जाएंगे डिटेल के साथ, ठीक हो गया। अगली वैल्यू आपकी, मैं थोड़ा उल्टा कर दिया, यहाँ पे पहले 60 कर दिया फिर 80 कर दिया, लेकिन आपने 80 पर लगाना है, ठीक है। ग्राफ बनाना सिखा रही हूँ, असल में 80 पे बन जाएगा, 60 पे, फिर उसके बाद 50 85 और 90, अगला जाएगा 50 पर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे दो बॉक्स छोड़कर, 50 से स्टार्ट किया 50 पे जाएगा, और फिर यहाँ पे क्लोज होगा, 50 पे चला गया। उसके बाद था 80 पर, शायद यहाँ से 80 से स्टार्ट किया, सॉरी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर 90 पे है, 90 पे गए, 90 मेरा यहाँ पर आ रहा है और फिर यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन आ जाएगी यहाँ, ओके हो गया। आई होप सो कि आपको तमाम ग्राफ जो हैं वो बनाना आ गए हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इनको कलर कर देना है, आप इनको जो है वो कलर कर दीजिएगा, आपके ग्राफ इस तरह की फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक हो गया। ये एग्जैक्ट नहीं मैं कह रही कि इस क्वेश्चन का बन गया है, मेरा यहाँ पर 80 आना था, यहाँ पर 60 आना था, यहाँ पर 80 आना था, यहाँ पे शायद 60 आना था, ठीक है। ये तो मैंने मूव कर लिया, लेकिन आपने अपनी वैल्यूज़ को देखते हुए इस तरह से बार ग्राफ जो है वो क्रिएट कर लेना है। आई होप कि पाई ग्राफ भी आपको समझ आ गया कैसे बनाना है, बार ग्राफ भी आपको समझ आ गया आपने कैसे बनाना है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, आ शॉपकीपर सॉल्व द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ ट्वाइस इन 6 वीक्स। पहले आप नीचे बेस लाइन में वीक्स लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर लाइन लाइंस कैसे बनाएंगे, 120 80 90 125 का डिफरेंस आ रहा है, अगर आप 10 10 का डिफरेंस दे दो या 50 50 का डिफरेंस दे दो तब भी काम चलेगा, ठीक है। आप 5 बॉक्स लें, हर एक छोटा बॉक्स जो वो 10 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। आप क्या करो, हर 5 बॉक्स के ऊपर जो है ना वो 25
का डिफरेंस है 25, फिर अगला 50 का दे दो, फिर उसके बाद 75, फिर उसके बाद 100, फिर उसके बाद 125 का दे दो, फिर उसके बाद ग्राफ जो है जिस तरह से मैंने क्रिएट किया है उस तरह से ग्राफ क्रिएट कर लें। मल्टीपल बार ग्राफ की बात आ गई है, मल्टीपल बार ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा। आपने क्या करना है, जैसे 72, 60, 85 है, आप इसी तरह से गैप ले लो। 72, 60, 85 क्या क्या ले सकते हैं आप इसका गैप, 30, 30 का गैप ले लें आप लोग, 30 का नहीं तो आप 10, 10 का ही गैप ले लो, ठीक है। दो बॉक्स लें आप, दो दो बॉक्स ले लो, उस पर जो वर्टिकल लाइन होती है, सॉरी लाइक यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन है, आप दो दो बॉक्सेस लें जेड, ये जो छोटे छोटे दो बॉक्सेस है ना, इस पर 10 का नाम दो, इस पर 20 का, इस पर 30 का, इस पर 40 का, ठीक है, फिर दो के बाद 50 का, फिर दो के बाद 60 का। उससे क्या होगा कि एक एक जो छोटा बॉक्स होगा ना वो 5-5 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसके बाद 70 का 5-5 मार्क्स का होगा, फिर उसके बाद इसी तरह से आप लोग जो हैं वो बेस में आप क्या करोगे, तीन तीन का बनाना है। आप जो है वो क्या करेंगे, जैसे अली, अनम, ज़ारा और उमर लिखना है, मैं बताती हूँ कैसे लिखेंगे। आप बनाना चाह रहे हैं बार ग्राफ, ठीक है, आप जो है वो तीन तीन का ले लो। अब यहाँ से एक मेरा यहाँ पे बन जाएगा, तीन तीन का गैप ले लो, ठीक है। एक बंदे के लिए मुझे तीन लाइनें बनानी है और इन तीनों को मैं नाम देती हूँ एक शख्स का, अली, ठीक हो गया। फिर मैं एक गैप छोड़ के ताकि डिफरेंस रहे तीन का, फिर मैं तीन पे एक मेरा ग्राफ की रेक्टेंगल बनेगी, फिर तीन पे एक ग्राफ की रेक्टेंगल बनेगी, फिर तीन पे एक ग्राफ की रेक्टेंगल बनेगी। इसको बी में लिख देती हूँ, दूसरा नाम लिख देंगे आप, नेम टू, ठीक है। फिर उसके बाद तीन का गैप छोड़ दें, यहाँ से तीन का गैप छोड़ दें, फिर एक दो तीन, हर तीन यानी कि तीन तीन छः तीन नौ, हर नाम के लिए नौ नौ बॉक्स जो है वो कलेक्ट कर लें, ठीक हो गया। अभी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आपने 10, 10 का गैप लेना है, ये 10 को शो करा, ये 20 को, ये 30 को, ये 40 को, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100 को शो करा, ठीक हो गया। तो अब आपने करना क्या है, पहला नेम लेना है, पहले नेम की चीज़ें देखें आप, पहले नेम में 72, 60 और 85 है, 72, 60 और 85, यहाँ पे 70 है, 72 यहाँ पे कहीं पर होगा, ठीक है। आप यहाँ से गए, मेरे तीन बॉक्स यहाँ पे बन रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट किए थे मैंने, ठीक है, 72 यहाँ बन रहा है और मैंने तीन बॉक्स बनाए, यहाँ से इस रेक्टेंगल को मैच कर दिया और फिर यहाँ से ये 72 और नेक्स्ट कौन सा था, 60 और 85 है। अब अगला मेरा 60 कहाँ पर आ रहा है, 1, 20, 30, 40, 50, 60, यहाँ पे 60 आ रहा है, यहीं से स्टार्ट करना है, तीन के बाद आपने 60 पे मैच कर देना ये अगले नाम पे। फिर अगला 85 है, यहाँ पे 70 बन रहा था, ये 80 था और 85 मेरा यहाँ पे बनेगा, यहाँ से इसको भी मैच कर देना और यहाँ से थ्री बॉक्स के बाद ये मैच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट कलर कर देना है या फिर कोई लाइन का गैप बना दो इसमें जो है वो इस तरह से कर्ल कर दो, यानी कि डिफरेंट कलर कर देना है आपने तीनों मार्क्स को डिफरेंट शो करने के लिए, ठीक हो गया। इसी तरह से अब आप पकड़ेंगे अगला नाम, अगले नेम में आपके पास अनम है, 48, 50 एंड 75 है, 48 अब 10, 20, 30, 40 है, 48 यहाँ कहीं पर करीब होगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किया हमने, हमारा 48 है, यहाँ कहीं बनेगा ना थोड़ा सा नीचे, यहाँ से इधर जाए, इधर एक ग्राफ क्रिएट कर दें। अगला पता नहीं क्या था, 70 था, 50 है और फिर 75 है, 50 पर है ना, थोड़ा सा ऊपर होगा और फिर तीन बॉक्स के बाद आपने ये मैच कर देना नीचे तक। इसके बाद 75 था, ये 50 हो गया, 60, 75 यहाँ पर होगा,
ठीक है, तीन बॉक्स के बाद इसको मैच कर देना। ये लाइन पूरी मैच होगी और फिर ये मैच हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट नेम जो होंगे उनको भी इसी तरह से आपने जो है वो शो कर देना है। आई होप कि आपको बार ग्राफ, मल्टीपल बार ग्राफ और जो आपका पाई चार्ट है वो क्लियर हो गया है। अब रह गया है आपका लाइन चार्ट। पाई ग्राफ को मैं थोड़ा सा और डिस्कस कर दूं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाएगा। इसमें दो दो के बनाने हैं आपने, जैसे अभी मैंने तीन तीन का बताया ना, तीन मार्क्स से यहाँ पे फर्स्ट डे और सेकेंड डे नीचे जो है वो डेज आ जाएंगे और इस सॉरी नीचे जो है वो नेम्स आ जाएंगे। और जो वर्टिकल, ये होती है वर्टिकल लाइन, ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें आपके नेम्स आएंगे, इसमें डेज आ जाएंगे। डेज आपके 1 और 2 में है ना, ये आप पे डिपेंड करता है, कोई मसला नहीं है। नेम्स यहाँ ले लें, डेज यहाँ ले लें, या डेज यहाँ ले लें, या नेम्स यहाँ ले लें, बस आपने नाम्स की और जो आप डेज बना रहे हैं यहाँ पे डे 2 होने चाहिए, जहाँ पे आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे वो मेंशन करने, जैसे आपने यहाँ पे ये मेंशन किए थे, सेम ग्राफ बनेगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या है, मिस्टर एंड मिसेज इमरान परचेज द फॉलोइंग सर्विसेज किचन, यानी किचन के लिए कुछ चीज़ें खरीदी हैं लास्ट मंथ, ठीक है। ग्राफ द यूजिंग आ पाई ग्राफ, ठीक है, आपने पाई ग्राफ को यूज़ करते हुए ये सब चीज़ों को शो करना है। गुड्स एंड सर्विसेज हैं, राइस फ्लोर शुगर एंड सूप ऑयल, ठीक है, आपने बिल्कुल गुड्स शो कर देनी है, बिल्कुल ऐसे जैसे यहाँ पर गुड्स शो कर दो कि जो जो चीज़ें खरीदी हैं। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप एक्सपेंडिचर जो जो खर्चा आया 600, 500, 300, 150 वो यहाँ पर लिख देंगे। लिखने के बाद यहाँ पर आप उनको सम कर लोगे, सम करने के बाद यहाँ पे जो फर्स्ट एक्सपेंडिचर है उसको टोटल एक्सपेंडिचर से डिवाइड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 360 डिग्री से। इसी तरह से तमाम इन वैल्यूज़ को टोटल वैल्यू से डिवाइड करेंगे और 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आपके पास डिग्रीज आती जाएंगी और जब डिग्रीज आ जाएंगी तो फिर आपने उसी तरह से डी रखते हुए 1 बाय 1 तमाम डिग्रीज को इस सर्कल पर मेंशन कर देना है, ठीक है। अब आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर, ये वाला पाईग्राफ भी बन जाएगा, दिस वन पाईग्राफ भी बन जाएगा। अब ये वाला, यहाँ पर फैक्ट्री मेक्स फर्टिलाइजर एंड सोल्ड इन 5 सिटीज़, फर्टिलाइजर बनाती है और 5 सिटीज़ में उसको सेल करती है। 15% सोल्ड इन सिटी ए, 20% इतनी, यानी कि परसेंटेज में बता दिया कि इतनी इतनी परसेंट हमने इन सिटीज़ ए बी सी में हमने जो है वो सेल की हैं। तो आप सूटेबल ग्राफ बनाओ इन तमाम इन्फॉर्मेशन को शो करने के लिए। अब यहाँ पर जो कन्फ्यूज़ होने की बात कोई भी नहीं है, आपने 5 सिटीज़ लिख देनी है, यानी कि फर्स्ट बॉक्स में आएंगे 1, 2 ए बी सी डी, जितनी सिटीज़ है सिटीज आ गई। दूसरे बॉक्स में परसेंटेजेस आ जाएंगे, पहले में 15, फिर 20, फिर 25, फिर 35 एंड देन 5%, ठीक हो गया। आपका 15% का मतलब है कि इसको 100 से डिवाइड करना है आपको, ठीक हो गया। परसेंट का मतलब ये है। तो आपने जब वैल्यूज फाइंड करनी है, पहले तो आप टोटल से कर रहे थे ना, 850 आ रहा था, अब यहाँ पर परसेंट है, मतलब कि हमें पहले ही दे दिया 50%। आपने करना है 50 को 100 से डिवाइड करना है और 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और फिर जो आंसर आएगा वो यहाँ पर डिग्री आ जाएगी। इसी तरह से अगली वैल्यू लेनी है, अगली वैल्यू आपकी क्या है, 20 है। आपने 20 को 100 से डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करने के बाद 360 डिग्री से क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर एक आपके पास डिग्री आ जाएगी और फिर आप उसको सर्कुलर एरिया में वैसे ही डिफाइन कर दोगे जैसे मैंने आपको डिटेल में बताया, डी रख कर के कैसे बनाना है आपने। आगे क्वेश्चन नंबर 8, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैसेज ऑफ 100 स्टूडेंट इज गिवन, ड्रॉ अ सूटेबल ग्राफ टू रिप्रेजेंट द डाटा। मिड पॉइंट ऑफ मैसेज आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपको 35, 20, 10, 5, 15 एंड जिस गिवन। आपके लिए ग्राफ के लिए पहले नीचे जो है वो आप मिड पॉइंट्स लिखिएगा, मतलब मैं इधर रफली से ग्राफ बना देती हूँ, यहाँ यहाँ पर आप मिड पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक हो गया, और यहाँ पर जो है वो आप 5-5 का गैप दे दो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। वही आप करें कि दो दो बॉक्स लें स्क्वायर, ठीक है, 2-2 स्क्वायर्स लें आप, 2 स्क्वायर के बाद 10 दे दें, फिर 2 स्क्वायर के बाद
20 का दे दें, फिर दो स्क्वायर के बाद 30 लिख दें, ठीक है। नंबरिंग इस तरह से लिख दें। और बकाया आपको ये समझ नहीं आ रही तो आप अपनी सूटेबल कंडीशन के मुताबिक उसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने टू टू बॉक्स का कहा तो आप ऐसे कर लेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर जो है वो फ्रीक्वेंसी, ये यानी वर्टिकल में आपकी फ्रीक्वेंसी शो हो रही है, यहाँ पे मिड पॉइंट हो रहे हैं। मिड पॉइंट में क्या करना है, आपने आपने लेने हैं टू बॉक्सेस ले लो। चलो एक बॉक्स हो गया, ये एक बॉक्स मैंने आपको दिखाती हूँ, ये लाइन ड्रॉ की। यहाँ पर आप दो दो बॉक्सेस ले लें, या तीन तीन ले लें, या चार चार ले लें, या पाँच पाँच ले लें। अगर तो आप दो लेंगे तो मिड पॉइंट यहाँ पर बनेगा, इस इन दो का मिड पॉइंट कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है। फिर अगले दो का मिड पॉइंट कहाँ बन रहा है, यहाँ। फिर जो बॉक्स लिए दो, इनका मिड पॉइंट यहाँ बन रहा है, ठीक है। दो दो का गैप आपने ले लिया कि ये पॉइंट है, इनका मिड पॉइंट ये है। फिर मैंने ये दो बॉक्स लिए हैं तो इसका मिड पॉइंट ये है, अब ये दो बॉक्स लिए तो इसका मिड पॉइंट ये, ठीक हो गया। और ये मैंने आपसे कहा है कि यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50 और यहाँ पर 60 लिख लें, ठीक हो गया। 60 लिखने के बाद आपने क्या करना है, पहला मिड पॉइंट देखते हैं, 114.5। आप वो नीचे जो मिड पॉइंट्स बनाए ना सिखाए हैं मैंने, पहले पे आप लिख दोगे 114.5, दूसरे में लिखेंगे 124.5। आपको जैसे गिवन है ना वैसे ही नंबरिंग दे दें आप, 134.5, 144.5, 154.5। ये सारी लिखने के बाद यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपने पहला मिड पॉइंट 35 पर मैच कर देना। मैच कैसे करना है, पॉइंट लगाना है आपने, ठीक है। आप पॉइंट लगा दोगे 135 पर कहाँ पे है, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है वो आप लगाओगे 20 पर, फिर उसके बाद अगला जो है वो 10 पे लगाओगे, फिर उससे अगला 5 पर, फिर उससे अगला 15 पर, फिर उससे अगला भी 15 पर, ठीक है। फिर उन वैल्यूज़ को, उन पॉइंट्स को आप क्या करोगे, मैच कर दोगे जो जो आ रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे टेढ़ा नहीं होगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, ओके हो गया। बिल्कुल लाइन ग्राफ ऐसे बनेगा जैसे हमने ये सीखा था। पॉइंट्स पहले लगाने के बाद आपने एंड पे उसको स्ट्रेट तरीके से मैनेज कर देना। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको कॉन्सेप्ट दे दूं कि आप लोग जो हैं ग्राफ को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। फिर भी कुछ कमी रह गई हो तो माजरत इस बात के लिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, फिर मैं कोई और मेथड फाइंड आउट करूँगी आपको समझाने के लिए। और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।